नमस्कार आज है दिवाली और इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाले जितने भी सरकारी नए नए वैकेंसीज होती है साथ साथ जो भी अपडेट आता है एग्ज़ाम संबंधित रिजल्ट संबंधित आंसर की संबंधित ठीक है इन सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं देता आ रहा हूँ पिछले एक साल से तो so, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ठीक है ताकि आने वाले जितने भी सारे लगातार जो वैकेंसीज वगैरह होंगी वो आपको मिलती रहे तो इस दिवाली के अवसर पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम और रेलवे एन यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम के संबंध में मैं आपको इस चैनल में कुछ लेक्चर दूंगा लेक्चर ही कहेंगे उसे ठीक है तो इसको आप पूरा देखिए इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें जो है वो आपको जानने को मिलेगी आपको समझने को मिलेगी और आप अगर नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको कुछ नए टिप्स बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में चाहे एन का एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो उसमें काम आने वाली है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? तो मैं बता दूं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है आने वाले दो से तीन महीने में ये आप हंड्रेड परसेंट मान लें कि आने वाले दो से तीन महीने या उससे पहले भी मतलब मैं मिनिमम साठ दिन कह रहा हूँ ठीक है तीन महीना तो जाना काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा मैं उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपका पन तीस से साठ दिन के अंदर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा क्योंकि एन का फेज़ वन का रिज़ल्ट एन टी पी सी टीयर वन का रिज़ल्ट नहीं आया वो कुछ ही दिन में आने वाला है जहाँ तक ये खबर मिल रही है रेलवे विभाग से इसके बाद एन टी पी सी टीयर टू का भी एग्ज़ाम होना है उसकी भी खबर मिल रही है कि उसका भी जो है एग्ज़ाम होगा तो देखिए ये तो क्लियर है कि आने वाले तीस से साठ दिन में या तो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या एन टी पी सी टीयर टू का एग्ज़ाम होगा ये हंड्रेड परसेंट मान लें ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो बता रही है कि रेलवे विभाग जो है वो काफ़ी तेजी से सारा काम अपना निपटा रही है क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट घोषित हुआ फिर अगला फेज के लिए भी ये सब चल रहा है ठीक है एग्ज़ाम को लेकर के टाइपिंग वगैरह को लेकर के तो इससे आप समझ सकते हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही जो है यानी आप मान के चलेंगे कि तीस से पैंतालीस दिन या पैंतालीस से अगर ज़्यादा जाता है तो साठ दिन के अंदर आपका जो है ग्रुप डी एन डी के एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी होगा ठीक है ये मान लें चूँकि आपका एस एस का भी एग्जाम है नवंबर दिसंबर में वो ख़त्म होने के बाद ही आपका एग्जाम की संभावना है तो दिसंबर तक मान के चले कि आपका एग्ज़ाम होना तय है तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहें इसको बीच में ना छोड़ें अगर बीच में छोड़ते हैं तो आपका क्या होगा इसमें कि बीच में छोड़ने पर ऐसा होता है ना कि हमारे मानव जो मस्तिष्क होता है वो किसी चीज़ को आ, दिमाग में रख पाता है कुछ समय के लिए ठीक है लेकिन उसको जब हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं तो फिर वो तुरंत कैच हो जाता है स्टार्टिंग में अगर आप पहला बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको दिमाग में जाने में उसको समाने में अच्छा जगह पे उसको थोड़ा वक्त लगता है लेकिन जैसे आप फिर उसको रिवाइज़ करते हैं तो वो फिर तुरंत सारा चीज़ क्लियर होने लगता है तो मेरा कहना ये है कि अगर आप पुराने कैंडिडेट डेट हैं अगर आप पहले से ही रेलवे का एग्जाम्स रेलवे एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल रिवाइज करना है और जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सब आपको सॉल्व करना है यही है बस इसके अलावा अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा उस लेवल पे आने के लिए जो पुराने कैंडिडेट्स हैं क्योंकि पुराने जो कैंडिडेट्स हैं ना उनका लेवल थोड़ा आपसे हाई होगा तो कट ऑफ कट ऑफ में जो पार होगा तो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जो बहुत पिछले साल से तीन साल चार साल पाँच साल से तैयारी कर रहे हैं उनका होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत पहले से मेहनत करते हैं और अगर आप नए हैं तो उनके लेवल में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है ठीक है ये बात याद रखें तो बात रहा जो मैंने फिर आपको वही बात एक ही बात दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप डी और एन का एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में होने वाली है ये आप हंड्रेड परसेंट मान के चले और अगर तैयारी में आप अगर नहीं जुटे हैं तो तैयारी में जुट जाइए माफ़ कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में आपका एग्जाम होना ही है हंड्रेड परसेंट होना तय है ठीक है इसके अलावा मैं बता दूँ कि आ, बहुत सारे ऐसे बुक्स मार्केट में मिलते हैं जो आप ले सकते हैं ठीक है क्या क्या बुक्स इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसका भी मैंने शायद वीडियो बनाया हुआ तो मेरे वीडियो के सेक्शन में जाकर देख लेंगे और इसके अलावा मैं बता दूं कि आने वाले समय में अगर मेरा मेरा चैनल जब ग्रो करेगा तो मैं यहाँ पे जो है सारे चीज़ पढ़ाने का भी काम करूँगा आने वाले समय में ठीक है क्योंकि मैं भी एक जो है एसपेरेंट हूँ ठीक है मैं सिविल सर्विसेज का कर तैयारी करता हूँ इसके अलावा मैं जो भी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं एस एस हो एस एस हो यहाँ तक कि एस एस हो ये मैं सोच के कभी नहीं चला हूँ कि मुझे छोटा से छोटा लेवल का जॉब नहीं चाहिए क्योंकि समय वक्त वक्त जो है ना कभी भी बदल सकता है इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसी लेवल का में जाता हूँ क्योंकि मैंने ये लेकर के इस साल लेकर के यू पी सिविल सर्विसेज का चार बार एग्ज़ाम दिया इसके अलावा एस का भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया है तो मेरे पास लगता है कि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको यूट्यूब में इस पढ़ा सकूं इस चैनल में पढ़ा सकूं तो और रेलवे का भी मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया है तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकूंगा आपकी दुआ से और आने वाले समय में मैं ज़रूर इसमें पढ़ाने का काम करूंगा ठीक है और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आने वाले समय में मैं आपको पीडीएफ भी मुहैया कराऊंगा कुछ कम से कम शुल्क में ताकि मेहनत थोड़ा थोड़ा फल हमें मिल सके ठीक है तो देखते हैं ये मैं कब करता हूँ अगर आप लोग का ऐसे सपोर्ट बना रहा है इस चैनल पे जैसे चैनल ग्रो करता है ठीक है हमारे साथ और भी सारे लोग जुड़ते हैं तो मैं आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा ये मेरा वादा है ठीक है इसके अलावा आज दिवाली है तो दिवाली का आप कैसा मनाएं ये आप कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा मैं बता दूं कि दिवाली के मौसम मौसम में जो है पटाखे कम फोड़े क्योंकि पटाखों फोड़ने से वायु प्रदूषण होता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो है एटमोस्फेयर में पॉल्यूशन होता है ठीक है सांस लेने में दिक्कतें होती है तो कम से कम पटाखे फोड़े इसके अलावा लाइट्स का कम यूज़ करें क्योंकि लाइट्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी ज़्यादा आएगा साथ साथ जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो समाप्त होगी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो कोल से यानी कोयला से प्रोड्यूस की जाती है और हमें पता है कि कोयला जो है यानी कोल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं यानी दोबारा उसे दोबारा नहीं किया जा सकता एक बार जहाँ कोयला समाप्त हुआ उसे फिर दोबारा ये नहीं किया जा सकता तो भविष्य के लिए हमें कोयला को बचा कर रखना आने वाले पीढ़ियों के लिए चूँकि कोयला बार बार ये प्रोड्यूस होता नहीं है ठीक है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन सब बातों पर गौर करें पढ़ाई के साथ साथ खुद भी जागरूक बने अपने समाज के लिए अपने देश के लिए ठीक है समाज से पहले देश आना चाहिए ठीक है तो देश के लिए जागरूक बने अपने देश को कैसे संभाल के रखें इसके लिए ठीक है तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ सभी को हैप्पी दिवाली और टेक केयर ऑफ़ योर धन्यवाद